सुपर्ब एक्शन हीरो विद्युत जामवाल फिर से नजर आएंगे एक रोमांटिक थ्रिलर एक्शन फिल्म में जिसका नाम है खुदा हाफिज। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे फारूक कबीर। ये कंप्लीट एक्शन पैक्ड फिल्म होगी जिसमें विद्युत अपनी एक्टिंग और एक्शन का जलवा दिखाते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं कुमार मंगल पाठक और अभिषेक पाठक। इस फिल्म की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित होगी। इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग मोरक्को और केरला में होगी। इस फिल्म की लीडिंग लेडी अब तक फाइनलाइज नहीं हुई है। ये फिल्म साल 2020 तक रिलीज हो सकती है। इस फिल्म के मेकर्स ने बताया है कि इस फिल्म के एक्शन सीन को कोरियोग्राफ करने के लिए इंटरनेशनल एक्शन एक्सपर्ट्स को हायर किया गया है। वहीं विद्युत काफी एक्साइटेड है एक रियल लाइफ स्टोरी में काम करते हुए। उनका मानना है कि ये फिल्म अब तक की वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट और मोस्ट मेमोरेबल एक्शन फिल्म हो सकती है। विद्युत काफी प्राउड महसूस करते हैं कि वे ऐसी फिल्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसकी कहानी काफी ग्रिपिंग और मेमोरेबल होगी। वहीं फिल्म की मेकर्स का मानना है कि फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित होने के साथ ही इमोशन में काफी स्ट्रांग होगी। वहीं फिल्म के डायरेक्टर कबीर कहते हैं कि इस फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट लिखने में उन्हें काफी रिसर्च करना पड़ा लगभग 9 महीने का। वो कहते हैं कि विद्युत और वो कुछ ऐसा ट्राई करने जा रहे हैं जो उन्होंने या किसी और ने अब तक ट्राई नहीं किया है। उनका मानना है कि वे काफी अनोखी फिल्म बनाने जा रहे हैं और जब ऑडियंस इस फिल्म को देखेगी तो वे काफी सरप्राइज हो जाएगी इस फिल्म से, क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशन से भी ये फिल्म कुछ ज्यादा ही उभर कर आएगी। इस फिल्म का बजट 20 करोड़ से भी ऊपर का बताया जा रहा है। विद्युत की हाल ही में आई फिल्म जंगली ने बॉक्स ऑफिस में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। ये कहना गलत नहीं होगा कि विद्युत का बॉलीवुड करियर उनके आने वाली फिल्म्स जैसे खुदा हाफिज पर काफी निर्भर करता है। दोस्तों आपका क्या मानना है हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों इसके अलावा भी यू आर बॉलीवुड के पास आपके लिए बहुत कुछ है। ऊपर दिए गए बॉक्स को दबाकर हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखें। नीचे दिए गए बॉक्स को दबाने से आप वो वीडियोस देख पाएंगे जो YouTube समझता है कि आपको देखना चाहिए। बगल में दिए गए गोल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।